नरेंद्र मोदी जी अभी बोल के गए, मगर उनको ये पता नहीं है जो पब्लिक जो है लाखों के संख्या में मर रहा है, कह रहा कोरोना वायरस को हराना है, मर कैसे हरे, जबकि एक एक रूम में 50-50, 60-60 बंदे हम लोग यहाँ है, भूख से है, हम लोग को पानी नहीं मिल रहा है, राशन नहीं मिल रहा है, और यहाँ का मकान मालिक ऊपर से और धमका रहा है जो तुम लोग को किराए सही टाइम पे देना है। आज एक महीना तक हमारा मालिक खुद परमिट नहीं किया है, जो ठेकेदार के पास काम करते हैं वो भी हमारी खैरियत नहीं पूछ रहा है, जो तुम खाए हो या पिए हो नहीं पिए हो, बहुत हम लोग आस लगाए बैठे थे जो 14-15 तारीख से गाड़ी खुलेगी, या सरकार ट्रेन चलने की आदेश देगी या फिर जो है बस, मगर इनमें से एक भी समस्या का हल नहीं हुआ। हम तो सिर्फ बिहार के सीएम नीतीश कुमार से ये आग्रह करना चाहता हूँ, जो बड़ी बड़ी बातें करता है, जहाँ हो वहीं रहो, यहाँ क्या खाएगा आदमी, क्या पिएगा, तुमको तो ये कहना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जो हमारे बिहार के पब्लिक जहाँ भी फंसे हैं उनको संयम आप जो है गाड़ी चला के उनको बिहार तक भेजने का कष्ट कीजिए, मगर और मारामारी होगा, यहाँ और कोरोना फैलेगी, इसलिए जो एक एक रूम में हम 50 आदमी, 20 आदमी, 30 आदमी यहाँ बैठे हैं, हमारी कोई खैरियत लेने वाला कोई मुझे पूछने वाला नहीं है। हम तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार से ये कहना चाहता हूँ, जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट से बात कीजिए और बिहार के लोग कहीं जिस कोने में है उसको संयम आप जो है घर पहुंचाने का काम कीजिए, नहीं तो आपका बहुत बुरा हाल होगा। नीतीश जी आप कान खोल करके सुन लीजिए, ये देश जो है 1947 में जैसे थी ऐसे ही देश को आपने पहुंचा दिया सरकार ने, हैं? हम लोग करें तो करें क्या, आपको तो बस चलानी चाहिए, ट्रेन चलानी चाहिए, लॉकडाउन पे लॉकडाउन, आप कह रहे हैं जो संयम बना के रखिए, जहां जो है वही रहिए, राशन मिलेगी फ्री, रोटी मिलेगी फ्री, सब्जी मिलेगी, हर चीज, मगर यहाँ आज तक एक भी सामान नहीं पहुंचा है। राशन का दुकान में 1 किलो चावल का 10 रुपए कीमत ज्यादा बढ़ा दिया है, एक अगर कोई गुटखा खाता है तो उसका 15 रुपए लेता है, एक अगर कोई व्यक्ति खैनी खाता है तो उसका 20 रुपए लेता है, और ऊपर से ये कह रहा लेना है तो लो नहीं तो भागो, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। यहाँ जितने लोग आप देख रहे हैं ये कई रोज से भूखे हैं, नीतीश जी ये कान खोल करके सुन लीजिए, नहीं तो बिहार में आपकी जो है पैर तले जमीन खिसक जाएगी, ये सोच लो। और ये वीडियो जहाँ तक पहुँचे, हम तो अपने बिहार वालों से पुरजोर अपील करते हैं, जो आप लोग जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो हमारे नीतीश कुमार तक पहुँचे, और आप लोग आंदोलन भी कीजिए, बिहार को आग लगा दीजिए, जो आग लग जाए, हमको अब रहने से फायदा क्या है, एक अभी 20 दिन और मुझे यहाँ रहना है, न खाने का है न पीने का है, हमारे नीतीश जी कह रहा है जो जहाँ हो वही रहो, एक पैसा हमारे पास नहीं है। हम तो पुरजोर अपील करते हैं आपसे हाथ जोड़ के, जो आप जैसे भी हो बिहार के आदमी को हर राज्य से जो है फंसे हुए हैं उनको घर तक ले जाने का आप काम कीजिए, और बंगाल का जो ममता बनर्जी कहता हम पब्लिक के लिए मर रही हूँ, हम ये दूंगी वो दूंगी, मगर सबसे पहले उसी ने घोषणा किया जो 30 अप्रैल तक लॉकडाउन होना चाहिए, मगर उसको ये पता नहीं है जो बिहार बंगाल का आदमी कितना फंसा हुआ है, कोई शुमार नहीं है, हैं? या खाने का लाले पर गया है, लोग बच्चे जो है बिलक रहा है जो मुझे कोई रोटी दे दे, और यहाँ के जो है रहने वाले आदमी है वो तो किसी को कोई पूछता ही नहीं, जो तुम खाए हो कि नहीं पियो, एक बाल्टी अगर पानी भी मांगो तो वो देने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो ममता से भी कहता हूँ, जो आप जैसे भी हो बिहार बंगाल के आदमी को बचाने का काम करो, नहीं तो कुर्सी तुम्हारी भी चली जाएगी, और नीतीश तुम ये बात ध्यान रखना, बिहार का आदमी जब अपने पर उतर जाएगा तो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, ये बात ध्यान कर लेना। ये हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी नाथ ने बहुत चालाकी खेला, उसने अपने अपने बंदे को भर में बस में वो अपने घर तक पहुंचा दिया, नीतीश आपने क्या किया, आपने तो देश को ही बर्बाद कर दिया, पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया, 1947 से भी बढ़कर ये देश में आ गया है महामारी। अरे लॉकडाउन करने से क्या बीमारी कम हुई, आप जो है मोदी जी अगर यही बात दिमाग से सोचते, जैसे आपने 20 तारीख को लॉकडाउन किया, पब्लिक को ये आगाह कर देते जो हम देश को बंद करेंगे, लॉकडाउन करेंगे,
चार दिन के लिए हम ट्रेन और गाड़ी की छूट दे रहे हैं, अपने अपने घरों में चले जाते, तो ये नौबत नहीं आती मोदी जी, ये बात ध्यान रखना। आप लोग तो कुर्सी में बैठे हुए हैं, बिस्लेरी का पानी पी रहे हैं, आपके आगे पीछे एसी चल रही है, समझ गया, आपको क्या फर्क पड़ेगा। जो एक एक कमरे में 20-20 आदमी कैसे जी रहा है, पानी नहीं है, राशन नहीं है, वहाँ घर में बच्चे तड़प रहे हैं, वहाँ माँ बाप परेशान है, और आपको ये सूझ रहा है जो लॉकडाउन पे लॉकडाउन करते जाओ। पब्लिक से आपने राय मशवरा लिया, जो पब्लिक आपकी साल में हो, आपके लिए मैं क्या करूँ, क्या सोचूं, सोचने का मौका आपने दिया ना, आप कुछ सोच रहे हैं, आप तो बस जो हुआ मुंह में बोल देना है। 20 दिन, 10 दिन, 16 दिन, 15 दिन ये लॉकडाउन से आपकी बीमारी कम नहीं होगी, इसलिए नहीं होगी, जो परदेसी जहाँ फंसा है वहाँ एक एक रूम में 20-20, 25-25 आदमी रह रहा है, क्या उससे कोरोना फैलेगी या नहीं फैलेगी, जवाब आप दीजिए। और एक आदमी को अगर कोरोना नहीं होता, मीडिया ने 10 को बता देता है, मीडिया ने तो एक हवा मचा के रख दिया है, पब्लिक को डरा दिया है, जैसे बीजेपी सरकार पब्लिक को डराती है, ऐसे जो है बीजेपी के जो है मीडिया है वो डरा रही है सबको। मैं नरेंद्र मोदी से पुरजोर अपील करता हूँ कि आपको देश का, आप कहते हैं जो देश को हम आगे बढ़ा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ा रहे हैं आप अगर देश को आगे बढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले जहाँ जिस राज्य का आदमी फंसा है, आप तो या बस चलाइए या ट्रेन चलाइए, इनको घर तक सुरक्षित पहुंचाइए, फिर आप जो करना है आप कीजिए, घर घर चेक कीजिए, उससे आपत्ति नहीं है। मगर मेहरबानी है नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के पीएम, हमारे देश के वजीर आजम आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, जो हम लोग जयपुर में कई लाख लोग जो है बिहार बंगाल के जो है फंसे हुए हैं, आप जो है मेहरबानी करके कोई ऐसा निर्णय ले जो हम लोग की जान बच जाए, बस आपसे यही कहना है। ठीक है, पब्लिक मर रहा है, आप ये चीज का ध्यान दीजिए, राशन का कीमत जो है आसमान छू लिया, गैस का कीमत आसमान छू लिया, आप जो कह रहे हैं जो सब्सिडी हम जो पब्लिक को दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, राशन फ्री में बट रही है, हमारे जगह जगह टीम जो है खाना दे रहा, ऐसा नहीं है मोदी जी जो आप सोच रहे हैं। अगर एक रोटी किसी को खिलाता है कोई, तो वो जो है फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए, मीडिया के जरिए, एक रोटी जिसको खिला दिया तो उसको आपको 50 दिखा रहा है जो हमने 50 खिलाया, मगर ऐसी बात नहीं है नरेंद्र मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री है, आप पब्लिक के लिए सोचिए, लॉकडाउन से कुछ नहीं होगा, आपके पास ट्रेने की कमी नहीं है, बसों की कमी नहीं है, जिस हिसाब से आप मैंने क्या कहते हैं जो जिस राज्य का आदमी है उसको भेजना चाहते हैं, आपके पास बहुत ऐसी तरीका है, एक के जगह 100 बस चलवा दीजिए, ट्रेन चलवा दीजिए, 4-5 रोज में जो है हर शहर में जो पब्लिक फंसे हैं वो अपने अपने घर चला जाएगा, इससे कई कई तरह का बीमारी खत्म हो जाएगी। एक तो हम जो रहते हैं एक जगह, वहां से बीमारी जो फैलने की खतरा है वो नहीं फैलेगी, हमारे राशन का मारा मारी है वो नहीं होगा, हमारे पास पैसा नहीं है वो समस्या नहीं होगा, कम से कम हम अपना वतन जाना चाहते हैं, हम अपना अगर मरना भी चाहते हैं तो हमारे माँ बाप अपने बाल बच्चे बीबी के सामने मरे, ऐसे मुझे कुत्ते की जिंदगी यहाँ मरना नहीं है, क्यों जो कुत्ते से भी हम लोग बदतर हो गए, हम लोग को कोई पूछने वाला नहीं है नरेंद्र मोदी जी, कोई पूछने वाला नहीं है। और खास तौर पर तो मैं बहुत बड़ी शिकायत है नीतीश कुमार, जो नीतीश कुमार ने मैंने घोषणा किया है जो जहाँ जो हो वही रहो, अरे तुमको अगर रखा जाए तो तुम क्या सोचोगे, तुम तो एसी में रह रहे हो, तुमने कभी पलक उठा के देखा नहीं जो हमारे बिहार के गरीब जनता जो है कैसे घुट घुट के जी रहा है, कभी आपने सोचा है, आप ये बात क्यों नहीं बोले संसद में जाके, प्रधानमंत्री के सामने बोलना पड़ेगा आपको, जैसे योगी आदित्यनाथ ने यूपी के हर एक व्यक्ति को बुला लिया, आपने क्यों नहीं बुलाया, आपके अंदर कमी है, आपको इस बार वोट नहीं मिलेगी, आपको बिहार से जो है धक्का मार के निकलाएंगे, ये हम सब पब्लिकों का कहना भी है और करना भी है। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।